हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो कंटेनर गार्डनिंग पर है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कंटेनर गार्डनिंग है क्या और हम अपना कंटेनर कैसे रेडी करें अपने प्लांट्स के लिए कि उसे बेस्ट एटमॉस्फेयर मिले हमारे कंटेनर में ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि कंटेनर गार्डनिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्लांटिंग करते हैं अपने कंटेनर में, जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें उन्हें बेस्ट एटमॉस्फेयर देना होता है जैसे उन्हें ज़मीन में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे कुछ प्लांट्स जो नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं, ग्राउंड में लगे हुए हैं, वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। पर जब हम इन्हें अपने गमलों में लगाते हैं तो हम इन्हें कैसा एटमॉस्फेयर दें ताकि ये बिल्कुल उनके लिए बेस्ट हो। तो बस आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है इसी पे है। और फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं हम कैसे एक बेस्ट कंटेनर बनाएं अपने प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, कंटेनर गार्डनिंग है जो, वो है हमारा जो कंटेनर है, इस तरीके से जो हम कंटेनर बनाते हैं उसे ही कंटेनर गार्डनिंग कहते हैं। और कंटेनर गार्डनिंग मीन्स कि हम अपने प्लांट्स के जो वो सारे एटमॉस्फेयर हैं जो उन्हें जंगल में मिलते हैं और जो उन्हें ग्राउंड में मिलते हैं, वो सारा एटमॉस्फेयर कंटेन करके हम एक कंटेनर में उन्हें प्रोवाइड करें। तो यही है हमारा कंटेनर गार्डनिंग का मीनिंग। कंटेनर गार्डनिंग का मतलब बस यही है कि हम एक कंटेनर में अपने प्लांट को सारा ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जो उन्हें ग्राउंड में मिलता है और ज़मीन में मिलता है। तो बस हम अपने कंटेनर को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये अब हम देख लेते हैं। कंटेनर गार्डनिंग का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा जो मैंने आपसे बताया। तो फ्रेंड्स, हमें अपना कंटेनर कैसे रेडी करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जरूरी चीज़ है वो है हमारा ड्रेनेज होल। तो फ्रेंड्स, ड्रेनेज होल कंटेनर में होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कंटेनर में ड्रेनेज होल नहीं रखते हैं तो फ्रेंड्स, जब हमारे ग्राउंड में ज़मीन में लगे रहते हैं हमारे प्लांट्स तो हमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि तो फ्रेंड्स, जब हमारे ग्राउंड में लगे होते हैं तो हमारे ज़मीन में खुद ब खुद एक ऐसा लेयर बना होता है पत्थरों का और सूखी पत्तियों का, ऐसा लेयर बन जाता है कि उसमें प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और उन्हें उसमें हमें ड्रेनेज होल वगैरह देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से लेयर बने होते हैं ईंटे पत्थरों के, सूखी पत्तियों के और मिट्टी का, इस तरीके से हमारा लेयर बन जाता है जिसमें प्लांट्स की पानी, जब हम पानी बरसता भी है, ओवर वाटरिंग भी होता है, तो वो धीरे धीरे करके रिस के वो सारे पानी जो है वो धरती में धीरे धीरे जाते हैं और हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ओवर वाटरिंग से बच जाती हैं। तो बस बिल्कुल ऐसा ही एटमॉस्फेयर हमें अपने कंटेनर में अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करना है, एक ऐसा लेयर हमें बनाना है ताकि हमारे प्लांट्स उसमें बहुत ही हैप्पी रहें और बिल्कुल उन्हें वैसा ही एटमॉस्फेयर मिले। तो फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांटर में बिल्कुल एक लेयर बनाना है और लेयर में सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है वो ड्रेनेज होल का होता है क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमें बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है। और फ्रेंड्स, इतना बड़ा होल रखना है कि जिसमें आपकी काफी अच्छे से जो ये फिंगर है वो निकल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें होल रखना है कि आपकी फिंगर इसमें से पास आउट हो जाए और जितना बड़ा आपका कंटेनर होगा बिल्कुल उस तरीके से होल आपका होता बड़ा होता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इससे बड़ा आपका कंटेनर है तो आपको एक होल से काम नहीं चलेगा, दो चार होल करने हैं। और अगर आपका कंटेनर लंबा है तो उसी तरीके से 5-6 होल आपको करने हैं ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन हर तरफ से सही रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है हमारा ड्रेनेज होल। और अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं कि हम इसका ड्रेनेज होल, अब हमें मिट्टी इसमें से बाहर ना निकले, उसके लिए हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके के जो हमारे प्लांटर के ही टुकड़े होते हैं टूटे हुए, वो ऐसे लेना है या फिर आप दिया भी ले सकते हैं और दिए के किनारे से आप थोड़े से बिल्कुल होल बना दीजिए, थोड़ा सा उन्हें कटआउट कर दीजिए ताकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी जाने का जगह हो। और अगर आपके पास दिए नहीं हैं तो आपके ही ओल्ड जो सिरेमिक, वो सॉरी, इस तरीके से क्ले पॉट होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं उसे लेना है। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इसका
ऊपरी हिस्सा है, मतलब जो बिल्कुल सपाट है उसे हमें ऊपर रखना है, और जो थोड़ा राउंड वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से उल्टा करके रखना है ताकि इसमें से पानी जाने का जगह मिल जाए। तो जब भी हम वाटरिंग करें तो इसमें से पानी पास आउट हो जाए हमारे ड्रेनेज होल से, तो बिल्कुल इसे उल्टा करके रखना है फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें उल्टा करके रखना है ताकि इसमें एक जगह बन जाए हमारे पानी निकलने का। और उसके बाद कुछ हमें ईंटों के टुकड़े इस पे डाल देने हैं ताकि ये बिल्कुल एक जगह स्टेबल रहे। देन फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से कुछ पत्थर वगैरह रख देने हैं ताकि ये जो है हमारा एक जगह स्टेबल रहे हमारा ये, और हिले ना। तो फ्रेंड्स, हमारे जो नेचर है, नेचर में भी बस बिल्कुल इसी तरीके से लेयर्स बने होते हैं हमारे ग्राउंड में, जिसमें काफ़ी अच्छे से हमारे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। बस हमें वैसा ही एटमॉस्फेयर अपने प्लांट्स को भी देना है, तो इस तरीके से थोड़ा टिक्कर वगैरह रख दें। और उसके बाद हमें एक लेयर देनी है, और तो आप इस तरीके से सूखे पत्ते यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सूखे पत्ते हों, और नहीं तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे जो कोकोनट के ऊपर के जो ये छिलके होते हैं ये बहुत ही अच्छा ड्रेनेज के लिए काम करते हैं, और ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। लोग इसे फेंक ही देते हैं, नारियल के ऊपर से ये सारे छिलके निकाल कर फेंक देते हैं। ये कोकोनट नहीं है फ्रेंड्स, ये कोकोपीट नहीं है, ये हमारे कोकोनट के बाल हैं, और इसे आप एक लेयर इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से बना दें। तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमें एक लेयर बनाना है मिट्टी का, सॉरी दिए का, सेकंड लेयर हमारे ईंटों का, थर्ड लेयर हमारा ये जो कोकोनट के छिलके हैं इनका। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने जैसा कहा, आप ड्राई लीव्स के जो आपके गार्डन के सूखे पत्ते होते हैं उसे आप इकट्ठा करके रखें, उसका एक लेयर बना दें। और फ्रेंड्स उसका उपयोग ये भी होगा कि वो धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगा आपके प्लांटर में ही, और आपको आपके जो प्लांट हैं उसे फर्टाइल करता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें लेयर बनाने हैं, लेयर वाइज हमें अपने कंटेनर को रेडी करना है। बस यही हमारा मकसद है कि हम अपने प्लांट को बिल्कुल हैप्पी रखें और उन्हें एक नेचुरल जो नेचर से बिल्कुल मिलता जुलता हम उन्हें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें अपना सॉयल मीडिया भर देंगे। तो फ्रेंड्स सॉयल मीडिया भी हमें बिल्कुल एकदम पोरस लेनी है, देखिए इस तरीके से हमें एकदम पोरस सॉयल मीडिया लेनी है, और उसमें खाद वगैरह आप अच्छे से मिला लें, थोड़ा फंगिसाइड पाउडर मिला लें, और उसके बाद आप इस तरीके से इसमें एक लेयर इस तरीके से अपने सॉइल की डाल दीजिए, और बस ये आपका कंटेनर बिल्कुल रेडी है आपके प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स कंटेनर आपको कैसे रेडी करना है वो मैंने बता दिया, इस तरीके से आपको अपना कंटेनर रेडी करना है। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट में आप पानी देंगे वो भी बिल्कुल धीरे धीरे से ड्रेन आउट होगा, और इसमें पानी का जमाव नहीं होगा, और कोई भी कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे सिरेमिक के हों, चाहे आपके मिट्टी के हों, बस आपका जो कंटेनर जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम मेथड से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं मुझसे कि हम इंडोर प्लांट्स प्लास्टिक में लगा सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी प्लांट, चाहे आप वो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, आप कोई भी प्लांट प्लास्टिक में बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई मुझसे ये किसी व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि अगर हम अपने इंडोर प्लांट को प्लास्टिक में लगाते हैं तो उन्हें कैसे वाटरिंग करें और अपना कंटेनर कैसे रेडी करें। तो फ्रेंड्स ये मेथड हमारा दोनों ही प्लांट में सेम इसी मेथड से लगाना है। और फ्रेंड्स जब भी आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आएं तो उसकी जो सॉयल है उसे बिल्कुल हटा दें, क्योंकि फ्रेंड्स वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी वो लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने भी इस तरीके से प्लांटर में पानी भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल डिप कर दिया है ताकि जो भी उसकी जो एक्स्ट्रा सॉयल है, मिट्टी है, वो सारी जो है खुल जाए और इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल खुल जाएं, और उसके बाद हम मैं इसमें अपना सॉयल मिलाकर
उसे अपने प्लांटर में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अपना प्लांटर रेडी करते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी हैप्पी रहेंगे और वो काफ़ी सालों साल चलेंगे और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेथड हमारा कंटेनर गार्डनिंग का, और आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो और वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।